हेलो गाइस, Realme GT 2 Master Explore Edition 12 जुलाई को चाइना पे लॉन्च होने वाला है और Realme इंडिया भी यही स्मार्टफोन को लेकर बहुत ज़्यादा टीज वगैरह कर रही है, यानी कि चाइना लॉन्चेस के बाद बहुत जल्द हमें यही स्मार्टफोन इंडिया पे भी देखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग यही स्मार्टफोन से जुड़े सभी इंडियन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को विदाउट इन्वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी पिछले मास्टर सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। हाँ, बैक तो लेदर फेस का ही होगा, लेकिन साइड एल्युमिनियम मेटल फ्रेम का होगा इस बार एंड फ्लाइट होगा। इसके अलावा 8.9 mm की थिकनेस होगी एंड 199 ग्राम वेट होगी। एंड बैक डिज़ाइन हमेशा की तरह क्लीन एंड फ्रेश, जो कि एक प्रीमियम लुक दे रहा है। जहाँ पर ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 50 MP की प्राइमरी शूटर होगी विथ सोनी सेंसर एंड OIS एंड 50 MP की अल्ट्रा वाइड एंगल, बाकी 2 MP की मैक्रो शूटर। यहीं पे फ्रंट पे इस बार सेंटर पंचोल कोडॉट के साथ 16 MP की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। और Realme का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन हमेशा से बेटर रहता है, तो ये तो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से कैमरास को ऑप्टिमाइज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 inches की एक बड़ी सी डिस्प्ले होगी, जहाँ पे एमुलेट के साथ 120Hz की हाईर रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले HDR10+ 10-bit कलर सेचुरेशन जैसे फीचर को सपोर्ट करने वाला है। यहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th Gen 1 वाले लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस तो आप लोग जान ही रहे हो, 1 million प्लस से भी ज़्यादा इसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर जाता है एंड एड्रिनो 730 के ग्राफिक पे बेस्ड होगा एंड 4 nm के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको तगड़ा मिलने वाला है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन LPDDR5 RAM टैप्स एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है। बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी होगी और इसे चार्ज करने के लिए 100W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। अब अगर हम लोग कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की बात कर ले तो डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट होगा, 3.5 mm जैक नहीं रहने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा NFC एंड और छोटे मोटे फीचर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करने वाला है एंड विद बॉक्स इनवाइट 12 के साथ आने वाला है। और ये स्मार्टफोन 3 RAM वेरिएंट के साथ आने वाला है। पहला वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट होगा 8128 एंड दूसरा होगा 8256 GB एंड तीसरा होगा 12256 GB। ये 3 RAM वेरिएंट के साथ आने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं Realme GT 2 Master Explore Edition पे। अब फिलहाल दो चीज़ कन्फर्म नहीं हुई कि ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया पे लॉन्च होगा एंड किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। जैसे इसे लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आज का ये हमारा वीडियो आप सभी को कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं हम लोग इस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।